खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही का लोडर चालक से चार बार रूट पर सवारी भरने के एवज में 500 रुपए की घूस मांगने लेते हुए देखा जा सकता। वीडियो वायरल होने पर पुलिस कमिश्नर ने मामले की प्रमाणिक जांच करते हुए आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला चारबाग का है। चंद्रशेखर बाजार खाला थाना क्षेत्र में चलने वाली यूपी 112 की दो पहिया पीआरवी में तैनात, ड्यूटी से जाते वक्त रास्ते में लोडर चालक से कहासुनी होने पर मालबाग में सवारी बैठाने को लेकर 500 रुपए की मांग की गई, जिसमें पुलिस की छवि धूमिल होने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं पूरे प्रकरण की जांच एसी यूपी 112 को सौंप दी गई है। अपने पास रख लो, हम तो ये समझे चार बाग वाली है, बुकिंग लेके जा रहा है। अरे हम लोग जागरण से जा रहे हैं करके, चलो 500 रुपए निकालो, चलो जा भागो, जल्दी भागो, हमें निकलने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।